देखो, कल मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहा था, और उसमें फिफ्थ पॉइंट जो लिखाया था मैंने, ये फिफ्थ पॉइंट तक लिखा दिया था, और फिफ्थ में डिस्कस नहीं किया था हमने। मैं लिखा था कि इफ ए ग्रेटर देन बी देन के ए ग्रेटर देन के बी, इफ ए ग्रेटर देन के ए लेस देन के बी, इफ के लेस देन, ये बताया था मैंने। कहा था कि इसको डिस्कस हम, क्योंकि टाइम ओवर हो गया था, मैंने कहा था डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, बस मैंने आपको नोट करा दिया था। तो इसका मतलब, इसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं, तो आप जानते हो इनइक्वालिटी है ये, ए ग्रेटर देन बी, पता है इतना इनइक्वालिटी। तो अब अगर देखो, कोई दो नंबर ऐसे हैं हमारे पास, जैसे 5 3 से ग्रेटर है ना। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 5 इधर, 2 इंटू 3, तो इधर तो बन गया 10, इधर बन गया 6, तो ये बात तो क्या आई, सही आई। लेकिन इसी में ही अगर मैं, इसी में ही मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, देखो 5 ग्रेटर देन 3 है, मैंने किया -2 इंटू 5, 3 इंटू -, इधर तो बन गया -10, इधर बन गया -6, ये बात तो ट्रू नहीं है ना। -10 -6 से बड़ा हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, होता ही नहीं ऐसा। तो इसका मतलब ये रिजल्ट, ये जो रिजल्ट मिला, ये वाला रिजल्ट रॉन्ग। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि यहां पर इस पे इसकी जगह ये वाला साइन होना चाहिए, सेम यहां पर ये साइन होना चाहिए, क्योंकि -6 क्या होता है, ग्रेटर। तो ये आपको पता है, किसी भी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो उसका साइन चेंज होता है, ठीक है। और यहां पर ये जो है के, ये के अननोन है, हमें नहीं पता ये के कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये अपने नाम से ज्वाइन करो भी सभी प्लीज, ये A4823 जो भी है, प्लीज अपने नाम नाम से ज्वाइन करो, ठीक है। क्योंकि तो फिर अटेंडेंस कैसे लेंगे आपकी, पता नहीं लगेगा ना कौन है, ठीक है। ये जो बात बताई है कि कोई भी इनइक्वालिटी है, जैसे 5 ग्रेटर देन 3 ऐसे लिखा है मैंने, मैं कहूं दोनों साइडों को के से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 ग्रेटर देन 3 के, तो ये ऐसा कर नहीं सकते। कब तक नहीं कर सकते, जब तक हमें ये कंफर्म नहीं पता हो कि के क्या है, क्योंकि तो अगर के पॉजिटिव है तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर के नेगेटिव हुआ तो इस इनइक्वालिटी का क्या होगा, साइन चेंज होगा, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना जरूरी है अगर नेगेटिव हुआ। इतने में किसी को कोई डाउट बोलो, ये बात समझ में आ गई सभी को, आवाज आ रही है सभी को? हाँ बताओ, अगर सबको क्लियर है तो ओके लिख दो बस, अगर सभी को समझ में आ गया ये चीज क्लियर है तो चैट बॉक्स में के लिख दो बस, ओनली के। ठीक है, अब देखो और आगे बढ़ते हैं। बेटा नाम भी लिख ले अपना, A4823 8D8, मैंने मैसेज भी भेजा है आपको, नहीं तो नाम बता ही देता कि अटेंडेंस जब लिखूं तो नाम पता हो आपका। अब आते हैं देखो सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट है कि इफ ए बी से बड़ा है देन
ए स्क्वेयर ग्रेटर देन बी, दोनों साइडों में स्क्वेयर कर दें अगर हम, तो ये हमेशा नहीं हो सकता, हमेशा ट्रू नहीं है। ये कब है? व्हेन ए इंटू बी ग्रेटर देन, यानी अब देखो मैं इसका एग्जांपल बताता हूं तब तुम्हें चीज समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। मैंने लिखा 5 3 से बड़ा, आपने दोनों तरफ स्क्वेयर किया 25 9 से बड़ा, तो ये ट्रू आ गया। ठीक है, अब एक और लिखता हूं, देखो 5 -4 से बड़ा, या माइनस को नहीं -6 लेते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा 5 -6 से बड़ा, अब आपने दोनों साइडों में स्क्वेयर कर दिया, इधर तो 25 आया इधर 36 आया, तो ये रिजल्ट तो गलत आ गया, 25 बड़ा नहीं होता। फिर ऐसे ही एक और देखो, -5 -7 लिख दिया है, -7, तो इधर 25, ठीक है, और इधर 49, यही बना, ये रिजल्ट भी क्या है, रॉन्ग। फिर एक प्लस ले लिया एक माइनस ले लिया, दोनों माइनस ले लिए, तो अब आप ये देखो ए इंटू बी ग्रेटर देन कितने रिजल्ट ट्रू आए, या फिर एक सेकेंड, ए इंटू बी नहीं ए बी, व्हेन ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन, कि जब दोनों नंबर प्लस के हैं तो ही ये स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, बट जब देखो एक प्लस आया एक माइनस आया तब देखो यहां प्रॉब्लम आ गई, इसमें यहां पर भी प्रॉब्लम आ गई, और अगर मैं इसको माइनस लूं इसको प्लस लूं तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। यानी अगर कोई इनइक्वालिटी है हमारे पास ए ग्रेटर देन बी, तो स्क्वेयरिंग तभी कर सकते हो दोनों साइडों में जब वो दोनों नंबर क्या हो, पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को? मैं किसी को डाउट, ये चीज समझ में आ गई कि दोनों साइडों में अगर कोई भी, अब देखो ये एक और बता रहा हूं, कहीं पे ऐसे लिखा है, एक क्वेश्चन आपके पास ऐसे आया, इफ ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई, तो पहला ऑप्शन पूछा x greater than 0, y less than 0. दूसरा ऑप्शन पूछ लिया x greater than 0, y greater than 0. थर्ड ऑप्शन पूछ लिया x less than 0, y greater than 0. फोर्थ ऑप्शन कह दिया none of these, यानी इनमें से कोई। तो क्या आंसर दोगे? कि ये तभी पॉसिबल है जब ये x और y दोनों क्या हो, पॉजिटिव नंबर, यानी x greater than 0 और y greater than 0. समझ में आ गया सबको? इस टाइप से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जाए तो भी ये चीज दिमाग में हमेशा रखनी है, अननोन में कोई क्वांटिटी कोई इनइक्वालिटी दी है तो उसकी स्क्वेयरिंग नहीं करनी, स्क्वेयरिंग तभी करनी है जब वो दोनों नंबर पॉजिटिव हो। जैसे एग्जांपल के लिए देखो एक और बताऊं मैं, एक क्वेश्चन ये एक्स प्लस वन ग्रेटर है एक्स माइनस टू से, या एक्स माइनस टू से, देन अब दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे तो देखो बनेगा क्या, 9x² - +4 - 12x
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू है, देन एट एक्स स्क्वायर, फिर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस लेस देन। अब ये पूछा कि ये बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास कहा कि अगर इफ x प्लस वन ग्रेटर है थ्री एक्स माइनस टू से तो इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आएगी। अब एक तो मेथड है कि आप इसको सोल्व कर लो, पहले वाले को सोल्व कर लो, उससे x मिल जाएगा आपको, वो x इसमें पुट करके देख लो, एक तो ये मेथड। दूसरा आप इसको देखो कि ये नाइन एट एक्स स्क्वायर है तो ये नाइन एक्स स्क्वायर और इससे कैंसिल होके आएगा, यानी हमने क्या किया हुआ है दोनों साइडों में स्क्वेयर करने से ये बनता, दोनों साइडों में स्क्वेयरिंग करनी, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इधर नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर फिर माइनस ट्वेल्व, इस पूरे को मैं इधर ले आऊं तो इधर तो जीरो बचा, नाइन माइनस वन एट एक्स स्क्वायर, ट्वेल्व माइनस टू फोर्टीन एक्स, ये वन इधर आएगा तो फोर माइनस वन प्लस कर, यानी ये क्वांटिटी जीरो से लेस, हमने दोनों तरफ स्क्वेयर कर दिया। लेकिन दोनों तरफ स्क्वेयर तो तभी कर सकते हैं ना जब क्या हो दोनों नंबर प्लस के हों, वरना नहीं कर सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स, क्योंकि ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये तभी ट्रू आएगा जब एक्स की वैल्यू ऐसी हो जिससे ये नंबर प्लस का बने और ये वाला नंबर भी प्लस का बने। कोई डाउट इसमें बोलो, समझ में आ गई ये बात? तो आपको चीज ये ध्यान में रखनी है, कभी भी इनइक्वालिटी में स्क्वेयरिंग नहीं करनी है, बस ये ध्यान रख। स्क्वेयरिंग कब करनी है, जब आपको ये कंफर्म हो कि वो दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो ही स्क्वेयरिंग करनी है, अदरवाइज स्क्वेयरिंग नहीं। क्लियर? अब मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, आपके पास दो सेकंड का टाइम है, दो सेकंड बाद हम इसको मिटा देंगे। अब आते हैं सेवंथ पॉइंट। सेवंथ पॉइंट क्या है? नेवर कैंसल कॉमन टर्म्स इन LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS। कभी भी कॉमन टर्म को लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो है उनको कैंसिल नहीं कर, क्यों? इससे क्या होगा, लॉस ऑफ, इससे रूट्स का लॉस हो जाए। इसका एग्जांपल देखो, ऑब्जर्व, आपसे पूछा गया कि हाउ मैनी रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इस इक्वेशन के कितने रियल सॉल्यूशन है ये बताइए। अब देखो, किसी ने ऐसे सोल्व किया, किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आई, उसने इसको ऐसे सोल्व किया कि ये दिया हुआ है, मैंने x कॉमन लिया तो यहां बचा x माइनस वन इक्वल टू, एक बार इसको जीरो कर दिया, एक बार इसको जीरो कर दिया, आइदर x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन, उसने तो कहा कि टू सोल्यूशन दो आए ना, एक तो जीरो आ गया एक वन आ गया, तो उसने कहा कि टू सॉल्यूशन। फिर किसी बच्चे ने ऐसे सोल्व किया, जैसे ये इक्वेशन थी, क्योंकि अब आप स्टूडेंट तो किसी भी तरह से कर सकता है जैसा उसके दिमाग में है। अब उसने क्या किया, इस एक्स को इधर ले आया वो, फिर उसने कहा एक एक्स काट दो, एक एक्स बचा, ने आंसर दिया कि एक ही सॉल्यूशन है,
अब या तो दो सॉल्यूशन होंगे या एक होगा, तो आंसर कौन सा सही? आंसर है ये वाला, टू सॉल्यूशन, ये गलत। तो यही जो बात है ना, सेवंथ पॉइंट यही बताता है, जब कभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ भी कॉमन टर्म है तो उनको कैंसिल नहीं करना है। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू कैंसिलेशन लॉस ऑफ रूट्स। देखो यहां दो सॉल्यूशन थे, दो रूट्स थे, यहां पर एक ही आया, यानी एक का लॉस हो गया। जब भी आप कैंसिल करोगे तो इस चीज का ध्यान रखना, कैंसिल नहीं करना, उसको दूसरी साइड में लाके फिर सोल्व कर। डन? क्लियर? कभी भी कैंसिल नहीं करना है। कोई डाउट इस पॉइंट में? बोलो। समझ में आ गई ये बात सबको? कैंसिल कभी नहीं करना, कैंसिल करने से रूट्स का लॉस होगा। जेई में अधिकतर क्वेश्चन ऐसे नहीं कहेंगे कि ये इसके कितने, इसके कौन से रूट्स हैं। जेई में जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन, वो ये पूछते हैं कितने सॉल्यूशन, कभी भी ये नहीं पूछते। यानी बहुत रेयर चांस है, 0.1% चांस होगा जब ये पूछेंगे कि इसके रूट्स क्या है। हमेशा ये पूछा जाएगा कि हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो उसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी भी कैंसिल नहीं करना। मैंने बिल्कुल छोटा एग्जांपल दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन आएंगे आगे और, लेकिन उनमें कॉन्सेप्ट यही यूज होगा। बस मैंने आपको एग्जाम्पल इस टाइप का दिया है ताकि आपको चीज समझ में आ जाए, वरना क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन तो आएगा ट्रिग्नोमेट्री के साथ जुड़ के, जैसे जेई में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, 10 साइन एक्स इक्वल टू एक्स का इसके सॉल्यूशन कितने हैं वो बताओ, ऐसे हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। खैर ये तो आगे की बात है, लेकिन इनमें भी यही ध्यान रखना है, कभी भी कैंसिल नहीं करना। इसमें तो कुछ है ही नहीं कॉमन, लेकिन अगर ऐसे पूछ ले जैसे 10x साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब सपोज ये पूछ लिया, ऐसा नहीं कि इस एक्स से एक एक्स काट दो, फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी, आपके रूट्स कम हो जाएंगे। कभी भी कैंसिल नहीं करना, हमेशा क्या करना है, जब भी कुछ टर्म्स कॉमन होगी तो उसको एक तरफ लाएंगे, सबको एक तरफ लाएंगे, फिर जो कॉमन होगा उसको कॉमन लेंगे, और फिर यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आइदर दिस टर्म्स इक्वल टू जीरो और दिस टर्म्स इक्वल टू। जैसे छोटी क्लासों में करते आए हो ना, जैसे मैंने ये लिखा, तो आप क्या करोगे, एक बार इसको जीरो करोगे, एक बार इसको जीरो करोगे, तो वही बात करनी है हमें। जैसे ये वाला अगर क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे सोल्व करना है, 10x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, फिर एक बार x कॉमन लिया तो 10 साइन एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक बार इसको जीरो करेंगे x इक्वल टू जीरो, और एक बार इस टर्म को जीरो करेंगे इस वाली को, यहाँ पर तो जीरो करेंगे तो 10 साइन एक्स माइनस एक्स इक्वल टू। बात समझ में आ गई होगी सभी को, और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस कैंसिल कभी नहीं करना है, कैंसिल करने से रूट्स का लॉस होगा, बस ये चीज ध्यान रखें। का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं इससे नेक्स्ट पॉइंट। ले लिया सभी ने इन शॉर्ट? ओके, अब चल रहे हैं हम एट्थ पॉइंट पर। आठवां पॉइंट है हमारा, एट्थ पॉइंट।
नेवर स्क्वेयर इन बोथ, जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक दोनों साइडों में स्क्वेयरिंग नहीं करनी, और अगर स्क्वेयरिंग करनी है तो फिर कुछ चीजें ध्यान में रखते हुए कर। वो चीजें क्या है वो तो आगे बताएंगे, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि आपको कभी भी स्क्वेयरिंग नहीं करनी। देखो पहले लेता हूं एक बिल्कुल छोटा एग्जांपल ताकि आपको चीज समझ में आए स्क्वेयरिंग करने से क्या दिक्कत होती है। स्क्वेयरिंग करने से मैं यहां लिख देता हूं होता क्या है, एक्सट्रेनियस ऑफ स्क्वेयरिंग करने से रूट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको कहा कि x 3 है, x की वैल्यू 3, तो किसी ने स्क्वेयर कर दिया इन दोनों साइडों में स्क्वेयरिंग करें तो उसने कर दिया x स्क्वेयर इक्वल टू 9। अब उसने सॉल्व किया तो x इक्वल टू प्लस माइनस, देखो पहले x इक्वल टू 3 था, अब आपके दो रूट्स आए 3 और माइनस 3, तो एक रूट बढ़ गया जबकि ये था ही नहीं। हमने कहा था x तो ओनली 3 के इक्वल है, अब आपने स्क्वेयर कर दिया दोनों साइडों में और फिर सोल्व कर लिया तो आपके आंसर 2 आ गए, प्लस माइनस 3 यानी एक रूट बढ़ गया ना। ये प्रॉब्लम होती है स्क्वेयरिंग करने से, स्क्वेयर ये आएगा स्क्वेयर इन बोथ साइड। अब देखो एक एग्जांपल और बताता हूं, ठीक है थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में चले जाते। देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू 1 है, किसी ने दोनों साइडों में स्क्वेयर कर दिया, स्क्वेयर इन बोथ साइड। तो इधर साइन एक्स प्लस कोस होल स्क्वेयर इधर 1, होल स्क्वेयर को मैंने ओपन किया तो ये बना साइन का स्क्वेयर एक्स प्लस कोस का स्क्वेयर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू, ये वाली टर्म 1 होती है, आप 10th क्लास में पढ़ चुके, इसको लिख दिया मैंने 1 प्लस 2 साइन एक्स इनटू में कोस इक्वल टू 1, इस 1 को इस 1 से कैंसिल कर दिया, 2 साइन एक्स इनटू में कोस एक्स इक्वल टू, से डिवाइड कर दिया तो क्या बना साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू। अब आइदर साइन एक्स इक्वल टू 0 और कोस एक्स इक्वल टू, साइन एक्स इक्वल टू 0 है तो साइन 0 0 पे भी होता है और 180 पे भी होता है, 180 डिग्री पे भी होता है और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अब देखो यहां से जो 0 मिला ना 0 0 तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें जरा रख के देखो यहां साइन 0 0 हो गया, कोस 0 1 होता है, 1 इक्वल टू 1 दोनों साइड इक्वल आ गए, लेकिन लेकिन 180 डिग्री जो है ये सेटिस्फाई नहीं करता। देखो साइन 180 प्लस में कोस 180, साइन 180 होता है 0, कोस 180 होता है माइनस, तो दोनों साइडें अलग अलग आ रही है। यहां पर ये जो है ना ये 180 वाला पार्ट ये क्या है एक्सट्रेनियस ऑफ रूट्स, रूट्स क्या हो गए बढ़ गए, हमें एक्स्ट्रा रूट्स मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिल रहे हैं जो कि जो सेटिस्फाई नहीं करते। सेम यहां पर था माइनस 3 था, क्या माइनस 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा क्योंकि तो एक तरफ माइनस 3 आ रहा है एक तरफ प्लस 3 आ रहा है, तो यहां पर भी ये रूट्स बढ़ गया, ज्यादा मिल रहे थे यहां पर भी ये रूट्स बढ़ गए, तो स्क्वेयरिंग करने से सॉल्यूशन बढ़ जाते हैं। क्लियर है, बोल बेटा स्क्वेयरिंग करने से सॉल्यूशन बढ़ जाते हैं, इसलिए दोनों साइडों में स्क्वेयरिंग नहीं करनी, और अगर बाय चांस कभी करनी पड़ी स्क्वेयरिंग तो फिर जितने भी सॉल्यूशन आए हैं उनको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि वो सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। बोलो डाउट है किसी को, ये चीज समझ में आ गई सबको?
अच्छा ये बताओ, अभी अभी आपको ये बताया था मैंने सर, विदाउट स्क्वेयरिंग सोल्व कैसे होगा सेकंड एग्जांपल। बेटा अब आप थोड़ी सी आगे की बातें पूछ रहे हो, अब लेकिन पूछ लिए तो बता देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आएगा ये आगे, ऐसे होगा ये 1/√2 sin x + 1/√2 cos x = 1/√2, दोनों साइडों को 1/√2 से डिवाइड कर। अब ये जो बनेगा cos π/4, ये sin x, ये sin π/4, फिर cos x 1/√2। ये जो फार्मूला होता है ये होता है sin x - π/4 और इधर sin π/4, फिर इस इक्वेशन को सोल्व किया जाएगा। ये आगे की बातें हैं, अभी आपको नहीं समझ में आई। हाँ मैं ये बता रहा था कि अभी अभी मैंने आपको ये बताया था कि दोनों साइडों को कैंसिल नहीं करना कभी भी, है ना। अब कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर तो मैंने 1 को कैंसिल किया, देखो जरा ध्यान। तो आपने ये नहीं कहा कि सर आपने तो कहा था कि कैंसिल नहीं करना, फिर आप कैंसिल भी कर रहे हो, ये भी कहा था, कर दो ठीक है। तो कैंसिल कब नहीं करना, जब मल्टीप्लाई में हो तो कैंसिल नहीं करो, है ना। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनमें तो किया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई में अगर है दोनों साइडों में तो कैंसिल नहीं कर। अब इसके चलो इसको भी बता देता हूं, ये जो लिखा हुआ है इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे, x - π/4 = π/4, यानी एक तो यही आ जाएगा x = π/2, ये सॉल्यूशन ये सेटिस्फाई करेगा। देखो sin 90 1 cos 90 0, 1 + 0 1 होता है, और भी सॉल्यूशन आएंगे, उसके लिए फिर ऐसे लिखना पड़ेगा x - π/4 = nπ + 1 - 1 की पावर n, n belongs to। ये आगे की बातें हैं, अब इसने हर्ष ने पूछा इसलिए मैंने बता दिया, अगर सोल्व करना होगा तो ऐसे हो, ऐसे सोल्व करोगे आंसर तो आएंगे लेकिन आंसर ज्यादा आएंगे ऐसे। किसी को कोई डाउट इसमें, इस चीज पे ध्यान मत देना, ठीक है। ये तो आगे की बात है, ये किसी बच्चे ने पूछ लिया इसलिए बता। ये जो इस साइड में लिखा है ये 1/√2 वगैरह, इस पे ध्यान मत देना, ये तो हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना तब आएगा, बस समझ में ये चीज आनी चाहिए, ये फर्स्ट वाला एक तो ये वाला, ये वाली चीज और ये वाली चीज, स्क्वेयरिंग नहीं करनी, स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा रूट्स बढ़ जाएंगे। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही करेंगे, अब इसको आप खुद पढ़ना इतने को, ठीक है।
अब कल से हम क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, ये बेसिक वाला हल्का फुल्का जो पार्ट था ये खत्म हो गया। कल से हम इनइक्वालिटी सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, फिर आपको क्वेश्चन दिया करेंगे रोज सोल्व कर।